एमपी में सीएम मोहन यादव का अफसरों पर सख्त रुख जारी है। उन्होंने अब चितरंगी एसडीएम पर गाज गिराई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई, इसमें चितरंगी एसडीएम आसवान राम चिरावन एक महिला से जूते के फीते बधवाते दिख रहे हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो सीएम मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए एसडीएम को हटाने के निर्देश दे दिए। सीएम यादव ने इस घटना को अत्यंत निंदनीय बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, सिंगरौली जिले के चितरंगी में एसडीएम द्वारा एक महिला से उसके जूते के फीते बनवाने का मामला सामने आया है, जो अत्यंत निंदनीय है। इस घटनाक्रम को लेकर एसडीएम को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। हमारी सरकार में नारी सम्मान सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर में एसडीएम के पैरों के पास बैठी महिला कर्मचारी एसडीएम साहब को जूते पहना रही है। हालांकि एसडीएम का कहना है कि उन्होंने महिला कर्मचारी से जूते पहनने में मदद मांगी थी, क्योंकि वह खुद दाएं हाथ से हैं और जूते के फीते बांधने में असमर्थ थे। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिकायत आने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने से नहीं चूक रहे हैं। साजापुर में ड्राइवर से औकात पूछने वाले कलेक्टर के बाद अब देवास में किसानों से अभद्र भाषा में बात करने वाली महिला तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की गई। उससे पहले सीएम यादव ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए गुना बस हादसे के बाद ऊपर से लेकर नीचे तक के अफसरों पर गाज गिराई थी। हालांकि इस घटना के बाद एसडीएम पर सोशल मीडिया पर जमकर निंदा हो रही थी। लोगों का कहना था कि यह घटना महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और अपमान का प्रतीक है। सीएम यादव के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के सम्मान के प्रति सजग है और ऐसी घटनाओं के लिए किसी भी सरकारी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।